अर्थात पुण्य अलग से लिखे जाते हैं, पाप अलग से। पुण्यात्माओं, जैसे हम प्रतिदिन कमीज पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो इनको रोजाना मैल लगता है, स्वाभाविक है, अवश्य मैल लगेगा। और उनको धो ले, साबुन हो, पानी हो, जल हो, साबुन और जल से, योग से उनको स्वच्छ डेली कर ले तो उज्जवल बने रहते हैं। तो हम प्रतिदिन जो काम करते हैं वो काम तो करने ही पड़ेंगे, पोचा भी लगाना पड़ेगा, हल भी चलाना पड़ेगा, मजदूरी भी करनी पड़ेगी, नहाना धोना भी पड़ेगा, खाना भी बनाना और खाना भी पड़ेगा, सांस भी लेना भी पड़ेगा, तो पाप भी इकट्ठे होंगे। उनका एक विकल्प है, उनका अल्टरनेट है, समाधान भी है कि हम भगवान पूर्ण परमात्मा की, सत्य पुरुष की साधना करें, पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके। उससे क्या होगा कि डेली होने वाले पाप, कहते इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। अब जैसे हम अपना मजदूरी करने गए हैं तो हमारी इच्छा वहां जीवन सा करनी नहीं है, अपने पेट के लिए गुजारा, अपना रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा। ऐसे किसान हल दोबारा, उसका उद्देश्य वहां जीव मरना नहीं होता, लेकिन अपने परिवार पोषण के लिए उसने वो करना ही पड़ेगा, ये कर्तव्य कर्म है। तो फिर हमने क्या करना चाहिए कि साथ में भक्ति करते रहेंगे तो ये प्रतिदिन होने वाले हमारे दिनचर्या के अंदर जो पाप होते हैं वो डेली साफ होते रहेंगे। बात रही प्रारब्ध और संचित कर्मों की, उनका विनाश इन्हीं से होगा। तो इस प्रकार हम जो सत साधना करेंगे उस सत साधना से हमें इसका समाधान मिलेगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा क्या बताते हैं, भाई पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। अब परमात्मा उदाहरण देते हैं, जैसे वन में, जंगल में पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ है, सतूत के पेड़ हैं। परमात्मा बता रहे हैं कि उनके ऊपर इसे बढ़िया पत्ते लगे हुए थे और फड़फड़ाया करते थे जब हवा चलती थी, आज वो पीले हो होकर बसंत ऋतु में पतझड़ में वो पत्ते टूट टूट के पीले हो होकर जमीन पर गिर रहे हैं, कोई गंदी नाली में गिर रहा है, कोई पशु पक्षियों के पैरों तले कुचला जा रहा है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जैसे कहते पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिराएंगे जाए। जैसे कोई परिवार का सदस्य और उसको ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरा रोग ला इलाज हो गया है, तो फिर वो कहता है भगवान ना जाने कहाँ जाना होगा, कहाँ गिरना हो, कहाँ पड़ेंगे, कहाँ जन्म होगा, क्या होगा। और फिर उसकी सांत्वना दिलाने के लिए बहुत से समझदार व्यक्ति उसके पास बैठ जाते हैं, वो कहते हैं भाई मृत्यु तो सब की होगी, एक दिन सब नहीं मरना है, कोई दो दिन पहले मर जाए, कोई दो दिन पीछे, तू चिंता छोड़ और अपना मालिक की रजा में राजी रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा समझा रहे हैं, जैसे पात झड़ता हुआ, पत्ता झड़ता हुआ ऊपर से गिरता हुआ, टूट कर जब गिरता है, वो कह रहा है कि हे तर्व राय, हे वृक्ष साहब, अब ना जाने कहाँ गिरूंगा जाए। अब वो तरवर उसको समझा रहा है, सांत्वना दे रहा है,
तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। जैसे पतझड़ में पहले वाले पत्ते सभी पीले होकर के वृक्ष से झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ही कोपल फूट आती है और नए पत्ते हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में पूरे हो जाते हैं और फिर वो एक वर्ष वो फड़फड़ कर लेंगे और फिर उनकी वही दशा होगी। अब जैसे दादाजी की टिकट कटन हो रही है और पोते पोती छोटे छोटे और फल फूल रहे हैं, और दादाजी भी कभी ऐसे ही बालक थे जैसे आज पोता पोती हैं, इसी प्रकार उन पोता पोती की भी दशा होगी। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है एक आवय एक जात। अपने आत्मा यहाँ तो जन्म और मृत्यु का एक अटल सिद्धांत है, और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं अर्थात जन्म मृत्यु के इस रोग को सदा के लिए समाप्त कर दूं और काल के कर्म के बंधन से तुझे छुड़वा दूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। क्योंकि हम काल की कारागार में, ये पृथ्वी एक जेल है, 21 ब्रह्मांड जेल है, हम इस पृथ्वी रूपी जेल में बंद रोक रखे हैं और इसमें हम कर्मों अनुसार इस काल ने अपना विधान बना के कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, तो कर्म बंधन के अंदर बांध के हमें यहाँ पर रोक रखा है। अब परमात्मा कहते हैं तुम्हारे इस बंधन को मैं काट दूंगा, कर्म के बंधन को, इसलिए बंदी छोड़ के लाता हूं। बंदी माने कैदियों को छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ काल से छुड़वाऊं भी गा और सतलोक में अमर पटा दूंगा, सदा के लिए तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जहां जाने के बाद आप जी का जन्म और मृत्यु कभी नहीं होगा, वहां आप जी का ऐसे ही परिवार होगा और वहां का जो शरीर आपका होगा वो इस 5 तत्व से नहीं होगा, सुक्रम अकायम असनाविरम। आपका शरीर जो है इस माता पिता के योग से बना हुए काया नहीं, और न ही नाड़ी, ये नाड़ी जोड़ का तंत्र, वहां केवल एक नूरी शरीर होगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, ना किसी प्रकार की मृत्यु का डर, ना कोई विकार उसके अंदर, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहां पर दरिया बहते हैं, मीठे अमृत जल के सरोवर हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे महल हैं जो जिनको हम छोड़ कर आए हैं, खाली पड़े हैं जो। अब इस काल ने अपने दूतों के माध्यम से, इन नकली गुरु संतों के माध्यम से हमें इतना भ्रमित कर दिया, परमात्मा की यथार्थ कथा सृष्टि रचना हमें प्रारंभ में ऐसी लगती है जैसे झूठी कहानी कथा हो। वो तो परमात्मा की कृपा है कि हमारे पास इतने प्रूफ हैं, इतने प्रमाण हैं कि इस मन को विवश होना पड़ता है उस सत्य कथा को सत्य मानने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये जो कथाएं बताई जाती हैं कि वहाँ सतलोक के अंदर मनुष्य हैं, मानव सदृश शरीर हमारा है, हम भी मनुष्य ऐसे ही हैं, परमात्मा भी हमारे सदृश है,
हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। गरीबदास जी बताते हैं कि हमारा सृजनहार अमरी उनिहार है, उनिहार माने हमारे स्वरूप जैसा है, लेकिन परमात्मा के शरीर की तुलना में हमारा शरीर कम शक्तिशाली है, कम तेजो में है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और वो भी फीकी रहे, इतना तेज है उस परमात्मा के बॉडी का, शरीर का। और वहां जाकर के हमें जो शरीर मिलेगा वहां पर 16 सूर्य जैसा जितना प्रकाश होगा हमारा, इतनी रोशनी होगी और उसमें हमारी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, ये तो एक डेफिनेट है कि यहां से तो हमने जाना पड़ेगा, चाहे हम आज कुछ भी सोच रहे हों कि आज नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे, कदे तो मरेंगे। एक दिन तो वो आवेगा जिस दिन हमने जाना पड़ेगा, और उस जाने वाले दिन से पहले हमने क्या तैयारी करनी है उसको वो सत्संग में बताई जाती है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कि यदि तू अन्य समय में भी मेरे ही भाव में भावित रहेगा, मेरी ही साधना करता रहेगा, मेरे ही ज्ञान से तू जुड़ा रहेगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा। और ये नियम है कि अंत समय में जिसकी जहां आशा होगी वो वहीं जागा। तो परमात्मा हमें फिर बताया कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं पर तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके, वो उसके पास चले जाते हैं। अपने आत्मा, हमने अपने जीवन की एक रिहर्सल करनी है। और जैसे हम पूरे जीवन में सारे जीवन में जैसा भी हम भाव बनावेंगे अंत में वैसा ही रहेगा, और जैसे हम भक्ति ना करके किसी और संसारिक में धंधे में रहेंगे, लगे रहेंगे इन्हीं में, जोड़ जुगाड़ में मरते हैं मरेंगे तो इन्हीं में आस्था रह जाएगी, फिर यही जन्म होगा, कोई पशु बनाएंगे कि तब पक्षी बन जाएंगे। तो इन पावर पॉइंटों से हमने बचना है। अब अंत समय में जिसकी आस्था, जैसे श्री कोई विष्णु जी की साधना करता है तो अंत समय में उसी में आस्था रहेगी उसकी, और विष्णु के लोक में चला भी गया तो फिर वापस आएगा, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे परमात्मा बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के पुरकों जाके तो फिर भी उल्टा आया। तो इस ज्ञान से आपके हृदय में एक ऐसी छाप जम जाएगी, ऐसी छाप हो जाएगी कि आप जी तन मन धन से उस परमात्मा पाने और सतलोक जाने की एक प्रबल इच्छा बनाओगे। और जो संसारिक व्यक्ति हैं उनकी आस्था सारा जीवन इस संसारिक संपत्ति धंधे में रहती है, तो अंत समय में उनके वही बात याद आवेगी। एक वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, अब जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं उनकी मरते समय घनी दुर्गति होती है। यम के दूत आते हैं और जब उसके श्वास गिनती के रह जाते हैं उससे पहले ही वहाँ डेरा ला लेते हैं सूक्ष्म रूप में, वो अन्य को नहीं दिखते और उसकी जुबान को पैरालिसिस कर देते हैं। फिर उसके श्वासों की गिनती करते हैं कितने शेष रह रहे हैं, वह बैठे रहते हैं, उसकी जुबान बंद हो जाती है, फिर वो ऐसी बूंदी बूंदी शक्ल के उसको दिखाई देते हैं। वो डरता इस शरीर को त्यागता है, वैसे नहीं त्याग सकते इस शरीर को जल्दी से। अपन आत्मा को किराए के मकान में रहता हो ना और मकान मालिक ने कहे भाई खाली कर दे इसने, वो उसने खाली करके राजी को ना
उसके अंदर वो ऐसा रम गया